नमस्कार आदाब दोस्तों। दोस्तों देश भर में तमाम मुद्दों पर चल रही बहस के बीच राजस्थान के टोंक से बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान के टोंक में एक बार फिर से सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की कोशिश की गई है और यहां पर भारी बवाल किया गया है। मस्जिद के अंदर तोड़फोड़ की गई है और ये सब कुछ किस वजह से हुआ है इसकी जानकारी आगे हम आपको विस्तार से देंगे और आपको बताएंगे कि दरअसल अभी हालात क्या है दोस्तों। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर और उनके काफिले के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है दोस्तों। इसका भी एक वीडियो सामने आया है जो आगे आपको दिखाएंगे। तीसरी बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ दिनों पहले फैसलों को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों ने और अमेरिका की जो धार्मिक स्वतंत्रता आयोग है उसकी तरफ से बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर इन जो है संस्थाओं ने सवाल खड़े किए हैं, किस तरह से इस पर भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट दोस्तों आपसे करेंगे, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे देश में जो लोग भी हिंसा फैलाते हैं, धर्म के नाम पर लोगों को लड़वाते हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और सभी धर्म के लोगों को मिलजुल करके एक साथ रहना चाहिए। अगर मेरी इस राय से आप सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे खबर की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि राजस्थान में एक दिन पहले ही बीजेपी के एक नेता का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो ये कहते हुए देखे गए कि हमने 5 को मार दिया है, लेकिन उसके बाद बीजेपी नेता के ऊपर केस भी दर्ज हो गया है। लेकिन यहां पे फिर से एक बार राजस्थान के टोंक में सांप्रदायिक बवाल हुआ है दोस्तों। मैं आपको खबर दिखाना चाहता हूं, ये मेरी अपनी खबर नहीं है, आज तक वालों ने छापा है। देखिए आप, गोकसी के दावे के बीच टोंक में फिर तनाव, मस्जिद में तोड़फोड़ करने का आरोप। अब मैं आपको खबर को पढ़ के बताता हूं। राजस्थान के टोंक में एक बार फिर से सांप्रदायिक अशांति जैसे हालात बनने लगे दोस्तों। खबर यह है कि 3 दिन पहले ही यहां कथित गोकसी को लेकर के तनाव की स्थिति बनी हुई थी, वहीं अब मस्जिद में तोड़फोड़ के आरोप लगने के बाद एक बार फिर से हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल जिले के घासी की जो है ढाणी इलाके में स्थित मस्जिद के इमाम आबाद अली ने तोड़फोड़ की शिकायत दर्ज करवाई है। इमाम के मुताबिक शाम 6:30 बजे के करीब 100 से 150 लोग आए और मस्जिद की संपत्ति को तोड़फोड़ की। आबाद अली ने भीड़ पर उनके साथ मारपीट करने के भी आरोप लगाए हैं। इसी तरह की शिकायत सहज बंजारा मुसलमान ने भी दर्ज करवाई है। इसमें कहा गया है कि 19 अगस्त की दोपहर 2 या 3 बजे के बीच 60 लोगों के एक समूह ने मस्जिद में तोड़फोड़ की। भीड़ ने इस दौरान कूलर, माइक सेट और पंखे, खिड़की के शीशे भी तोड़ दिए हैं। ग्रामीणों के मुताबिक इस दौरान स्पीकर के अलावा कुर्सियां और नमाज के स्थान को भी नुकसान पहुंचाया गया है। गोकशी की शिकायत दर्ज कराने वाले हनुमान चौधरी के मुताबिक गोहत्या करने और ग्रामीणों में गोमांस बांटने की घटना में 17 लोग शामिल थे। आरोप है कि 18 अगस्त 2022 की रात एजाज उर्फ लाला ने एक गाय की हत्या कर दी, उसके बाद इसके गोश्त को वहां पर बांटा। ये जो है दावा किया जा रहा है, ये आरोप लगाया जा रहा है, इसमें अभी तक कोई सच्चाई नहीं आई है सामने, यानी कि इस पर आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी 100 से 150 लोगों का एक जो है भीड़ वहां पहुंची मस्जिद के अंदर और मस्जिद के अंदर तोड़फोड़ करती है। ये दावा जो है मस्जिद के इमाम जो है आबाद अली की तरफ से टोंक के अंदर जो है और लगाई गई है। जिला जो है घासी के ठाणी इलाके में जो है मस्जिद के अंदर तोड़फोड़ करने का यह मामला सामने आया है। अब इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। उम्मीद है राजस्थान के अंदर गहलोत सरकार है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो इन लोगों को, ये जो गुंडे हैं, इनको जबरदस्त तरीके से इन पर कार्रवाई की जाएगी और जल्द से जल्द इनको पकड़ने का काम किया जाएगा। एक और खबर की बात करते हैं दोस्तों। अगली बड़ी खबर आ रही है सीएम नीतीश, आप जानते हैं कि बिहार की सत्ता परिवर्तन में अहम रोल इन्होंने निभाया है फिलहाल हाल ही में, लेकिन उसके बाद लगातार सीएम नीतीश को लेकर के चर्चाएं तेज है। लेकिन अब एक और नया विवाद सीएम नीतीश को लेकर के खड़ा हो गया है दोस्तों। जानकारी यह मिल रही है कि पटना नीतीश कुमार के काफिले पर हमला कर दिया गया है। काफिले में नीतीश कुमार हालांकि शामिल नहीं थे और इसका वीडियो जो सोशल मीडिया पर आ रहा है वो मैं पहले आपको दिखाता हूं, आप देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। आ तो
तोड़ देंगे आज। अरे कोई होती है कोई विधायक उधायक होती तो पूरा देखते ही मार के सब तोड़ता हूँ। सब प्रशासन की गाड़ी है, टोटल टोटल प्रशासन की गाड़ी है, टोटल पता नहीं कितनी गाड़ी है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, इस वीडियो में आप देख पाएंगे कि एक मॉब है वो कुछ गाड़ियों के ऊपर हमला कर रही है और इसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह से गाड़ियों के अंदर तोड़फोड़ की जा रही है। दावा यह किया जा रहा है कि ये जो है सीएम नीतीश कुमार का काफिला था, लेकिन इत्तेफाक ये था कि सीएम नीतीश कुमार इस काफिले में शामिल नहीं थे और कुछ लोगों ने, ये भीड़ ने मिलकर के इसी काफिले को निशाना बनाया और सीएम नीतीश के काफिले को समझ करके इस पर हमला किया है। अब आप सोचिए, सत्ता परिवर्तन हुए अभी कुछ दिन ही नहीं हुए हैं लेकिन सीएम नीतीश के काफिले के ऊपर हमले होने शुरू हो गए हैं। वैसे आप जानते होंगे कि जो सत्ता परिवर्तन और यानी कि बिहार में हुआ है, इससे बीजेपी काफी नाराज चल रही है। बीजेपी का कहना है कि सीएम नीतीश किसी के नहीं होते हैं, ये कभी भी पलटी मार सकते हैं, इनका नाम पलटू राम पहले से ही रखा जा चुका है। लेकिन दोस्तों इस तरह की घटनाएं बिहार से सामने आना ये काफी चिंता में डालने वाली बात है, वो भी एक सीएम के काफिले पर और उनके काफिले को समझ करके इस तरह से हमला करना ये उससे भी ज्यादा दुख वाली बात है। उम्मीद है बिहार के अंदर भी आरजेडी जेडी और जो है जेडीयू कांग्रेस मिलकर के सरकार उन्होंने बनाई है, ये इन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई करेंगे जो अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक और खबर की बात करते हैं दोस्तों। अगली बड़ी खबर सामने आ रही है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों ने अब सवाल खड़े कर दिए। दोस्तों मैं आपको खबर दिखाना चाहता हूं, दवायर वालों ने छापा है। अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों ने 2002 के गुजरात दंगा मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 64 लोगों को विशेष जांच दल द्वारा दी गई क्लीन चिट को चुनौती देने वाली दिवंगत कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी जो है कि पत्नी जाकिया जाफरी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उसकी टिप्पणी की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। खबर यह है कि शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों ने एक बयान जारी करके कहा है कि वे सुप्रीम कोर्ट के कुछ हालिया फैसलों से बहुत निराश हैं, जिनको लेकर के उनका मानना है कि इसका भारत में नागरिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के भविष्य से सीधा संबंध है। हस्ताक्षरकर्ताओं ने 2002 के गुजरात दंगा मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 64 लोगों को विशेष जांच दल द्वारा दी गई क्लीन चिट को चुनौती देने वाली दिवंगत सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट के गुजरात दंगे के फैसलों के ऊपर ये अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि ये फैसला शायद उनके मुताबिक ठीक नहीं है। बयान पर हस्ताक्षर करने वालों में ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड के सदस्य भीखू परेख और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी व अमेरिका के एरिजोन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नोम चोम्स्की, जर्मनी के मैक्स फ्लैक जो है फ्लैंक इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर अर्जुन अप्पादुरई जैसे 11 विख्यात नाम शामिल है। दोस्तों आपके अपने इस पर क्या राय जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर।